अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और करम से। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और आज मैंने जाना है एक दोस्त के पास, तो उसने खाने पे बुलाया हुआ है, तो वहाँ जाएंगे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बशीर भाई, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है भावलपुर के अंदर। तो उन्होंने काफ़ी अरसे से मुझे बुला रहे थे कि ज़ुबैर भाई मेरे पास चक्कर लगाए हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा जॉब ऐसी है, मसरूफियात हैं, तो उसमें आपको पता है कि टाइम नहीं मिलता, तो आज टाइम मिला है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ और उनसे मिलेंगे, गपशप करेंगे। वो बेसिकली पंजाब पुलिस के अंदर होते हैं और पिछले 15 साल से वो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला आगे भी उनको मज़ीद तरक्की और खुशियाँ दें। मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, और इसी तरह दोस्तों का एक सर्कल है। आपको पता है दोस्तों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्त ही आपके सरमाया होते हैं। तो मैं दोस्तों के पास अक्सर जब भी मुझे टाइम मिलते हैं तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो चलें जी उनके पास चलते हैं, फिर इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। दोस्तों ये हाल में इसकी टांग ज़ख्मी हुई पड़ी है और इसको चलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हाथ लगाता हूँ तो ये नज़दीक नहीं आने दे रही। पता नहीं, मेरे ख्याल में इसको कुछ चोट लगी है जिसकी वजह से ना ये चल नहीं पा रही। चलती है तो इसको थोड़ा सा मसला। देखें, अगर मैं इसके नज़दीक भी जाता हूँ तो इधर उधर ये जाने की कोशिश कर रही है। तो इसको होप डैट ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इसको मसला नज़र आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं जी, इसको अल्लाह ताला इसको सेहत दे और जल्दी ये ठीक हो जाए। देखें, अगर इसके मैं नज़दीक भी जा रहा हूँ तो ये यहाँ से ना थोड़ा सा इधर उधर भागती है। तो मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इसे ठीक हो जाए, ये तो इसकी ना ये चीज़ जल्दी ठीक हो जाए उम्मीद कर सकते हैं हम इसके लिए। और ये ज़्यादा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो चलें जी इसको अल्लाह ताला सेहत दे। करके मैं दिखाता हूं, ये जी आसमानों के ऊपर बहुत कम नजर आती है। धूप में पता नहीं आपको नजर आ भी रही है कि नहीं आ रही। एक टीका था जानवरों को लगाते थे, वो मुर्दा मुर्दा उस मुर्दार को खाती थी ना, ये खत्म हो गई थी। अब ये गिद्ध जो होती है ये मुर्दार चीजों को खाती है। हाँ, मुर्दार को खाती है, बड़े अच्छा जानवर को। सही सही। तो ये तो बहुत ही खत्म हो गई थी, मैं तो बहुत अरसे के बाद देखी है। अच्छा, मतलब ये अगर चीजों को मुर्दार चीजों को खाती है तो बीमारियां वगैरह ये सारी जरासीम खत्म हो जाते हैं। हाँ, मुर्दार को खाती थी ना, तो जानवरों को बचाने के लिए ना एक इंजेक्शन लगाया जाता था। सही। वो इंजेक्शन जो है ना वो लगाते थे ना, तो वो जानवर मरे हुए जानवर को वो ये खाती थी, सही इसलिए सही मर सही। गई बहुत सारी। तो वो टीका जो है ना ममनुआ करार दे दिया गया जानवरों के लिए। सही सही वो सही। अब जो है डॉक्टर ऐसा करते हैं कि वो है इंसानों के लिए बनता है, तो वो ह्यूमन मेडिकल स्टोर से लेके ना वो लगा देते हैं अच्छा। जी, उसका नाम मैं जहन से मेरे निकला हुआ है। कमाल था जानवर। गिद्ध ये कभी नीचे छत पे भी आके बैठता है। नहीं, तूने जिंदगी में देखा नहीं। दोस्तों वहाँ से मैं खाना खा के फ्री हो गया हूँ, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका था,
क्योंकि बस गपशप में टाइम गुजर गया, पता ही नहीं लगा। तो लेकिन बड़ा मज़ा आया। थैंक यू बशीर भाई, आपने टाइम दिया और आपने हमें याद रखा। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे दोबारा भी होती रहेगी। और बशीर भाई, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे, और हमेशा आप लोगों के लिए जितने भी मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की दे। और जितना भी यार मुझसे होता है, मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है कि आजकल ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जॉब ऐसी है, इस जॉब के अंदर ज़्यादा टाइम निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और साथ ही घंटी के बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी तरह ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।